Zoom, iskoteko. Zoom, iskoteko.

खाना नहीं है लोग अजीब अजीब तरह के जान के है डिफरेंट बैकग्राउंड है तो झगड़ा तो होना ही है स्क्रिप्टेड नहीं है सिचुएटेड है मगर मैं कई बार ये कहना चाहती हूँ की प्रोड्यूसर्स जो होते है शो के या वो कई बार शो इसलिए बनाते ताकि जो दिखता है वही बिकता है तो उनको उनके हिसाब से शो चलाना होता है तो अगर कोई नॉन स्पाइसी कैरेक्टर है तो उसको निकाल दो अगर कोई स्टिंग करवाना है लाइक कोई स्टंट है जो जैसे कि मेरी सिस्टर ऑलरेडी शी वाज़ सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ द शो बट शी ओनली केम फॉर एन एपिसोड एंड वेंट विच एपिसोड गोर अ रल बिग हाई बिकॉज यू नो दिन सिस्टर शी केम इन तो इन्होंने बेसिकली इसको यूज़ किया एक एपिसोड बनाने के लिए। so, वही दिखाया जो जनता no, देखना चाहती hey. अगर आपको पहले से शो में जाना था और, yeah, और आप so, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो अंदर कंटेस्टेंट करते हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं होता लेकिन जो सीजर चलती है उनके ऊपर ना आधा ही सच्चाई दिखाई जाती है जो अलग होती है फिर तो जैसे मेरी एंट्री थी वो एज ए कंटेस्टेंट थी जो हम करते हैं और जो दिखाया जाता है वो दो तो अलग चीज है तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इस एडिटिंग की बात करें या स्क्रिप्टिंग uh, की बात करें आप ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं I, मुझे नहीं लगता I मुझे लगता है जनता so. को ही देखना है इसीलिए वो देख रही है अगर उनके इमोशन के साथ खिलवाड़ होता तो वो टीवी बंद करके बैठ जाती आई थिंक जितना ज्यादा खिलवाड़ होता है उतनी ज्यादा टीआरपी तो तो होती है एंड द डे तो टीआरपी तो की ही गेम है। चलिए पायल से भी जानते हैं उनका क्या कहना है पायल आप बताइए आपको लगता है कि ये एडिटिंग जो की जाती है ये इमोशंस के साथ खिलवाड़ है ऑडियंस के देखिए रियलिटी शोज यानी देखिए यू हैव टू अंडरस्टैंड टेलीविजन इवन योर मीडियम माय मीडियम फिल्म्स यार आप सोप्स देखे एवरीथिंग रिलेट्स टू इमोशंस नाउ रियलिटी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट जहां पे आपको इट्स समथिंग द न्यू फ्लेवर ऑफ द सीजन सो वहां पे भी बट यू गो थ्रू एवरी इमोशन बिकॉज एक ह्यूमन बींग हैज एंगर वायलेंस लव हेट एवरी काइंड ऑफ इमोशन जब हम एक्टिंग करते हैं तो ऑब्वियसली हमको बताया जाता है आप एक किरदार है यहां पे सिचुएशन बना जाती है जहां पे एज ए सेलिब्रिटी यू आर स्टक एंड यू स्टार्ट इमोटिंग वे इट्स एडिटेड एंड शोन टू यू सो मैं कहना नहीं चाहूंगी कि किसी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ है इट्स बेसिकली प्योर एंटरटेनमेंट इट्स बेसिकली प्योर बिजनेस ये बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है कि आप कौन से रियलिटी शो में पार्ट ले रहे एंड कैसे लोगों तक आपका किरदार दिखाया जा रहा है

और वो सच्ची में शादी करने वाली तो अपने शादी के लिए कोई ड्रामा करेगी तो राखी का बट लड़कों ने कितना ड्रामा किया शो पे? देखो एक दो लड़के तो रहे थे एक वो गंगा किनारे वाला मनमोहन तिवारी जो मेरा रूम पार्टनर था ऐसे ऐसे लड़कियों को पढ़ा है आपसे दो मिनट में बात करेगा आपका नंबर ले लेगा वो लड़का बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जो मतलब वहाँ पे फेम के लिए आए और मैं पहले भी कह चुका हूँ अभी भी कह रहा हूँ मैं वहाँ फेम के लिए नहीं गया हूँ आई वेंट डे फॉर राखी और uh, काफ़ी काफ़ी कॉन्फ्लिक्स होते थे लड़के लोग में और uh, जो हैंडसम थे मैंने एक फाइंड किया कि लव खन्ना इतना लंबा डैशिंग हैंडसम तो लड़कियाँ है, उसके पीछे पागल लेकिन जब वो मुँह खोलता है तो तोतला तोतला बोलता है सो इट्स नॉट द लुक्स इट्स द कॉन्फिडेंस इट्स द पर्सन तो होती थी जेलसी होती थी कंटेस्टेंट्स के बीच में थोड़े झगड़े होते थे होते थे कि करवाए जाते कोई करवाता नहीं था इट वॉज जस्ट द थिंग दैट एवरीबडी वॉन्टेड टू बी विथ राखी स्पेंड टाइम विथ नो हम हो स्वयं में आगे बढ़े क्या समझते हैं आप मुझे मैं इंसान नहीं हूँ आप ही इंसान है खेल लेंगे आप मुझसे पहुंच जाएंगे कुछ बन जाएंगे जिनको खेलना था वो खेल लिए मेरी जिंदगी कोई खिलवाड़ नहीं कोई सीढ़ी नहीं है कि उसे कोई भी चढ़ के हम सबने देखा है कि राखी का बहुत ही इंडियन अवतार हमें देखने को मिला है बस बट उस इंडियन अवतार में जितना भी ग्लैम दिख सकता है वो हमने देखा है सो डू दैट ग्लैम सेल्स आई आई थिंक थिंक एवरी वर्ल्ड सेल्सिंग नो की इसका एक्सटेंट क्या है वो आपकी बिकिनी का उठा था

हमारा कल्चर है तो हमारे कल्चर को राखी सावंत और राजीव खंडेलवाल खराब नहीं कर सकते ऑप्शन है आपके पास आपको अगर लगता है कि मुझे ये शो पसंद नहीं है ये शो जो है मेरे घर के एटमोसफेयर को ख़राब कर रहा है या मेरे फैमिली के कल्चर को खत्म कर रहा है तो आपके पास रिमोट है बंद करिए ना आप इन्जॉय भी करेंगे आपको मजे भी लेने हैं आपको लगता है कि ये इंटरेस्टिंग भी आपको राखी का स्वाम भी देखना है आपको राजीव खंडेलवाल जो पर्सनल क्वेश्चन पूछता है वो भी पूछना है और जब शो खत्म हो जाता है तब आपको समझ में आता है? नहीं यार मेरे घर के कल्चर को ख़त्म कर रहा है या मेरे देश के आ, संस्कारों को ख़त्म कर रहा है ये हिपोक्रेसी है और हिपोक्रेसी के अलावा ये 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 बिल्कुल कुछ नहीं है